इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम हुआ था 26 और 27 जून को सुबह और शाम की शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पेपर है। 26 जून का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये और हिंदी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो से जुड़ा हुआ है ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दयुग्म लक्ष्य और लक्ष्य का अर्थ क्या होगा? तो लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य और लक्ष्य का मतलब लाख या गिनती, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वही वाला। किस विकल्प में शब्द युग्म का सही नहीं है, अर्थभेद सही नहीं है? तो यहाँ पर गलत दिया गया है अभिराम और अविराम में, इसका आंसर जाएगा ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 4, शाम हुई और गाय घर लौट आई। बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न संख्या 5, बा उपसर्ग है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। मिश्र वाक्य पहचानिए, प्रश्न संख्या 6, की से जुड़ा है यहाँ पर, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? 7वें प्रश्न में, भारत में अनेक जातियाँ हैं, ठीक है, कृपया और कृपा दोनों एक साथ नहीं होते, अनुत्तीर्ण यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। बढ़ेंगे 8वें प्रश्न के लिए, प्रश्न संख्या 8, पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा जा रहा है, दंपति जो है ये पुल्लिंग शब्द है, आडंबर का पर्यायवाची नहीं है, दर्प जो है ये आडंबर का पर्यायवाची नहीं, दर्प का मतलब होता है घमंड। 10 से 14 यहाँ पर पैराग्राफ दिए गए हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अत्यधिक जटिल क्यों होता है? क्योंकि अधिक समय शक्ति धन खर्चे होने के कारण। 11वां प्रश्न, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? प्रश्न संख्या 11, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। 12वां प्रश्न, जल संचयन का मतलब ये है कि आप जल को इकट्ठा कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम। 13वां प्रश्न आपके सामने, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास, बांध का निर्माण किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 14, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र से यहां पर हो जाएगा गा और घा। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा ब्रज नहीं है। मानसरोवर में किस कहानी कार की कहानियां संग्रहित हैं? 17वां प्रश्न आंसर होगा, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां संग्रहित हैं। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र को किस श्रेणी में आप रखेंगे? तो ये कार्यालयी पत्र कहा जाएगा। जब प्रथम वर्ण व्यंजन दूसरा वर्ण स्वर हो तो संधि जो होगी वो कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहा गया है। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? प्रश्न संख्या 21, माखनलाल चतुर्वेदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343 के तहत। प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश पाली में से प्राचीनतम भाषा है संस्कृत, उत्तर होगा डी के साथ। कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? प्रश्न संख्या 24, रसखान रचनावली जो है ये ब्रज भाषा में है। 25वां प्रश्न, हम चूड़ियां पहन रहे हैं क्रिया, तो अभी कार्य हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल, संधि विच्छेद सही है। क्वेश्चन नंबर 26, मधुवरी, अपादान कारक का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? कार से गए हैं, कार से अलग नहीं हुए, कार से गए हैं तो इसमें अपादान का प्रयोग नहीं हुआ है। से किस कारक चिन्ह का होता है? से किस कारक का चिन्ह होता है? अपादान से।
समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? औता प्रत्यय है यहां पर, पहला सही होगा। वेष्टि का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30। समष्टि समास का प्रकार नहीं है, प्रश्न संख्या 31। पर्णकुटी ने यहां पर द्वंद्व समास दिया है जो कि गलत है। कबहुक हो यही रहा निरहाओगो श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत, यहां पर रस की बात करें तो शांत रस है। 32 के लिए आंसर जाएगा डी के साथ। श्रृंगार रस का उदाहरण यहां पर दिया गया है किन पंक्तियों में? यहां पर चार उदाहरण दिए गए थे पूरे पूरे। उत्तर होगा यहां पर पास ही मिलकर उगी है बीच में असली ठोली, ये डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। 33 के लिए आंसर डी के साथ जाएगा। अर्थालंकार का एक प्रकार है रूपक अलंकार। मौन और संपन्न का विलोम मुखर और विपन्न हो जाएगा। 36वां प्रश्न वाक्यांश व्याकरण जानने वाला यहां पर गलत दिया है। क्षण में नष्ट वाला भी गलत दिया है। एक सही है जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक कहेंगे। प्रत्युत्पन्नति जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी जा रही है। 38वां प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड हैं। पूरे 50 क्वेश्चन में लगभग 15 प्रश्न रिपीटेड हैं और ऐसा हर पेपर में होता है। आशीर्वाद वा पे रा लगेगी। पर्यायवाची का सही युग्म जलद अम्बुद सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। जलद और अम्बुद ये गलत यहां पर दिया गया है, बाकी यहां पर सही है। तत्सम शब्द कौन सा है? कृपा, बाकी यहां पर तत्भव दिए गए। शलाका का तत्भव क्या होगा? सलाई। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? 42वां प्रश्न आंसर होगा वर्तिका और बत्ती। तरण तनुजा तट तमाल में इसमें अलंकार आपसे पूछा गया है। 43 के लिए अनुप्रास अलंकार होगा। तिथि का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 तिथियां हो जाएगा। घर का भेदी लंका ढाए। प्रश्न संख्या 45। आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ठठेरा का स्त्रीलिंग ठठेरिन। आंखों का तारा इस मुहावरे का अर्थ। अति प्रिय मान ना मान मैं तेरा मेहमान इस कहावत का बताइए। कहावत का नाम मतलब कौन सी कहावत होगी? जबरदस्ती गले पड़ना। वाक्य का शुद्ध रूप क्वेश्चन नंबर 49। देखिए समय और प्रातः काल यानी काल और समय एक साथ नहीं होते हैं तो ये गलत है। आंसर जाएगा बी के साथ। सभी तत्वों किसमें हैं? प्रश्न संख्या 50। छकड़ा काजल खेत।